सबके पास भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र रखा था। एकादशी के व्रत वाले जो थे, अब याद आ जाएगा नाम, अंदर में इतनी हैरानी होती है कि भगवान कैसे अपने भक्त का गुलाम होता है। मैं भक्तन हाथ दिखाऊं, अम्बरीश, राजा अम्बरीश के पास भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र रखा और वही सुदर्शन चक्र उनको आवश्यकता थी नहीं, लेकिन भगवान अपने भक्त का बाल बांका भी नहीं होने देता। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, अंदर तक बहुत नाभि तक खुशी होती है। हमने जिस धर्म में, जिस पंथ में, जिस सत्संग में, जिस संस्कृति में हमने जन्म लिया है, हमारे पास उसकी समझ होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। कल भी विचार कर रहे थे कैसे घर में कुछ भी आयोजन पहले से अगर लोग करते हुए चले आ रहे हैं, बच्चों को भी, अगर बच्चों के सामने भी कुछ करते हो तो बच्चों को भी इसका एहसास होता है, क्योंकि कई चीजें आप कह कर नहीं समझा सकते हो, करके समझा सकते हो। तो कैसे सब अपनी जिंदगी में देखना सीखें, सत्कार करना सीखें, प्रेम करना सीखें, डर सीखें, शुक्रगुजारी सीखें, महसूस करें हमारे सर के ऊपर हमारे पूर्वजों का, हमारे गुरु का, हमारे आराध्य का, हमारे प्रभु का हाथ है। हम स्वतंत्र नहीं, क्योंकि अंदर में अगर स्वतंत्रता का स्वभाव आ जाता है, स्वच्छंदता का स्वभाव आ जाता है, ऐसा व्यक्तित्व कष्टदायी होता है अपने सहित सभी के लिए। तो बहुत अच्छा लगता है, गुरु जी कहते थे हमेशा सुबह उठकर एक बार जरूर बोला करो, प्रभु मैं तुम्हारी ममता के दूर में हमेशा बना रहूं, क्योंकि ये प्रेम तुमको यही कड़ी है परमात्मा से जोड़ने की। जिन प्रेम में कियो तिन ही प्रभु पायो, लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। ये प्रेम अंदर से पैदा करो, परमात्मा का रूप भगवान बना देता है। ना लोभ हो, ना मोह हो, ना ममता किसी से, ना पीड़ा हो कुछ तन में, ना कुछ दुख का भान हो। दुख का भान मन करता है और तन की पीड़ा कर्मों के कारण आती है, लेकिन अब मेरे कर्म कांटे ना बन के कर्म किश्ती बन गए, कर्म यज्ञ बन गए, श्वास सिमरन में लग गई, तन सेवा में लग गया, मन प्रभु के स्मरण में लग गया, चिंतन में लग गया, बचा क्या। मन को आत्मा की राह दिखा दे, वरना मन नहीं मानेगा। मैं जहां पर भी बैठा हूँ वही मेरा सत्संग है, चाहे मैं नौकरी में हूँ, चाहे मैं किचन में हूँ, चाहे मैं कहीं पर भी हूँ, हर वक्त मेरी तार मेरे प्रभु से, साकार निराकार दोनों से ही जुड़ी रहती है। सब लोग निर्वाणाध्याय पढ़ रहे हैं। कल भगवान ने अपनी व्यापकता का दर्शन कराया, सब तरफ से हाथ पांव सिर वाला, नेत्र मुख वाला, सुनने वाला, सब तरफ से मैं ही हूँ
क्योंकि वो संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। कौन? वही ब्रह्म सत्ता। अब थोड़ा सा हम समझ लें, तुम अपने पैरों से कहीं जाते हो कहीं नहीं जाते हो, लेकिन जहां भगवान को तुम याद करते हो, महलों में नहीं, कुटिया में नहीं, जहां याद करो भगवान में, भगवान के लिए किसी भी इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है, साधनों की, वाहनों की आवश्यकता नहीं है, वो ओमनी प्रेजेंट है, वो सर्वत्र है। भगवान की कला में बहुरूपी कला भी आती है। फिर आज का श्लोक और भी अच्छा है, 14वां है, 13वां श्लोक का, 13वें अध्याय का। वो संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है। इंद्रिय आपको पता है, आंख, कान, मुख, नाक, त्वचा, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, और इन ज्ञानेंद्रियों का विषय क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। आपको इन 5ों की उपयोगिता भी पता है। आप देख रहे हो, आपको देखने की शक्ति है, क्या देख रहे हो? दोस्त देख रहे हो, दुश्मन, न्याय देख रहे हो, अन्याय, भगवान देख रहे हो, शैतान देख रहे हो, इंसान देख रहे हो, क्या देख रहे हो? अपनी इन इंद्रियों की इज्जत कैसे कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? ये सब हवन कुंड हैं, इनसे हवन हो रहा है, भजन हो रहा है, या ध्वस्त कर रहे हैं सब? आंखों से कर्म बनाते हैं, कानों से पता नहीं क्या सुनते हैं, क्या समझते हैं, क्या बोलते हैं, कल्याण वर्धक बोलते हैं या अहित करने वाला सोचते हैं, देखते हैं और बोलते हैं। तो संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है। कौन से शब्द मुझको इस रास्ते पर आगे बढ़ाएंगे और मुझे मेरे जीवन का कल्याण करने में कौन से शब्द सहायक होंगे? गुरु जी कहते थे, ऊंट को सामान नहीं रखना होता था, ऐसे ऐसे करके गिरा देता। तुम भी अपने जीवन में देखो, अनावश्यक ख्यालों को तुम भी अपने अंदर से हटा दो, फिर परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित अगुणों से अतीत हुआ भी अपनी योग माया से सबको धारण पोषण करने वाला, गुणों को भोगने वाला है। कौन? वो शक्ति। फिर से समझें, वो कौन? जो ज्ञानी है, जो वो भगवान की शक्ति को जानने वाला है, जिसने देह धारण करी है, वो इंद्रियों के विषयों को भी जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है। अब अच्छे तरीके से समझेंगे, मेरे पास आंख है, मेरे पास देखने की शक्ति है, मैं क्या देखूं ये मेरे ऊपर आधारित है। मैं देखते हुए भी नहीं देखता, मुझे देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। जरूरी नहीं है जो मुझे दिखाया जाए मैं वही देखूं, मुझे जो भगवान चाहे मैं दिखाना मैं वही देखूंगा। ज्ञानी संसार के अनुसार नहीं चलता है, भगवान के अनुसार चलता है। तुम्हारी आंखें हैं, लेकिन तुम देखने के गुलाम नहीं हो, तुम आंख बंद कर लो, तुम्हारे लिए दुनिया खत्म। आंख बंद कर लो बोला, एक होता है आवश्यकता, एक होती है अभाव,
अभाव आवश्यकता और एक लिप्सा और एक हवस। धीरे धीरे आवश्यकता भगवान पूरी कर देता है, अभाव पूरा कर देता है, लेकिन दो चीजें नहीं जाती, भोगों की लिप्सा और हवस। हवस माना जितना मिलता है उतना ही और चाहिए। मच वॉन्ट्स मोर, मच वॉन्ट्स मोर। तो बोला इंद्रियां हैं, इंद्रियों के विषयों को अच्छी तरीके से जानता है, लेकिन वो अपने प्रति प्रशंसा के शब्दों का गुलाम नहीं है। वर और श्राप से डरता नहीं है। कोई वर देखे जाता उसकी मर्जी, कोई श्राप देखे जाता उसकी मर्जी। जो भी हम कुछ भी बोलते हैं, हम अपने मानसिकता का प्रकटीकरण करते हैं। संत आशीर्वाद देते हैं, असंत अपशब्द बोलते हैं। उनके पास समझ नहीं है, अपने इंद्रियों के विषयों को जाने, देखना सहजता है, सुनना सहजता है, सब कुछ सहजता से हो रहा है तुम्हारा। लेकिन अब यहाँ पर देखो, एक लाइन गुरु जी बोलते थे, अशब्दी ब्रह्म पद पूरण में तन्मन लीन कंगा से। नहीं तो शब्दों के तार पर सारी दुनिया नाच रही है। तो वो इंद्रियों से रहित है, आंख कान मुख मूंद के नाम निरंजन ले, और आसक्ति रहित है। तुम्हारी आंखें किसी को आसक्ति से देखती है, प्रेम से देखती है, लालच से देखती है, सुबुद्धि से देखती है, नफरत से देखती है। लेकिन ज्ञानी घट घट में बसे भगवान पहचान सके तो पहचान, सब मैं ही तो हूं। चोर साधु को एक पछाड़ो, उसको चोर को भी अपना बनाने में कोई परेशानी नहीं है। तुम तो साधु को भी अपना नहीं बनाते, मनुष्य भगवान को भी अपना नहीं बनाता, और भगवान और संत साधु को भी अपना बना लेते। संत के पास सिलसिला आ गया, 12 बजे कहता खाना बना के दो। लोगों ने कहा ये क्या है, कोई समय तुम्हारे आने का? संत ने कहा चुप, इस कोठरी में जो भी आता है भगवान आता है। ये भगवान नया रूप धारण करके आया। शिष्यों को गुस्सा, बोला नहीं इसने मेरे से हुक्म किया ना, मैं इसको दूंगा। संत ने बनाया, खिलाया, सेवा करी, सुलाया लोगों को इतना गुस्सा, हम तो यहाँ सेवा कर करके मर गए, एक मिनट भी हमसे प्यार से बात नहीं करते हैं, इसको इतना प्यार लुटा रहे हैं। सुबह उठा, हाथ जोड़ा, चरणों में गिरा, बोला मुझे पता है मैं शराबी हूँ, मैंने आपका बहुत अपमान, बहुत कष्ट मैंने आपको दिया है, मुझे माफी देने आप, दे दीजिए आप। संत मुस्कुराए, बोला बेटा मैं तुम्हारी खोज में था, कोई बात नहीं, आज तुम्हारे आज से पापों का अंत हो गया, तभी तो संत की शरण तुमको मिली। शिष्यों ने कहा आपके इस कौतुक को नहीं समझ पा रहे, क्या है ये? बोला ये इस बच्चे को, जिस निराकार ने 25-26 साल तक का जीवन दिया, मैंने तो इसको 25 घंटे भी नहीं दिए, इसका ये परिवर्तन का योग था। कपड़ा धोने में, गंदा करने में ताकत नहीं है, धोने में कितनी ताकत होती है तुमको? पानी भी चाहिए, साबुन भी चाहिए, समय भी चाहिए, सामर्थ्य भी चाहिए, अक्ल भी चाहिए। मिट्टी से नहीं धोते हो, मिट्टी से बर्तन धुलते हैं, कपड़े तो साबुन से धुलेंगे। तो जिस निराकार ने इसको इतना लंबा जीवन दिया, अगर मेरे पास ये आया है तो धोबी के पास तो गंदे कपड़े जाते हैं ना, तो संत के पास भी ऐसे ही लोग जाते हैं, और यहाँ पर इसके जीवन के परिवर्तन की संभावना है। डाकू से वो ऋषि बना, बदल गया चोला। इतने
साधकों का नाम नहीं है जितना बुद्ध के साथ अंगुली माल का नाम जुड़ा है। इतने अच्छे लोगों का नाम तुमको नहीं पता है जितना वाल्मीकि का, वाल्मीकि ब्रह्म समाना। संतों के आशीर्वाद से, संतों के वाइब्रेशन से हर प्रकार का परिवर्तन संभव है। तो वो आसक्ति रहित है, सेवा सबकी करता है, किसी में आशा या उम्मीद नहीं रखता और गुणों से अतीत हुआ, तीनों गुणों का मालिक है। लेकिन ना उसको सतोगुण बांधते हैं, ना तमोगुण बांधता है, ना रजोगुण बांधता है। सबको धारण पोषण करने वाला और गुणों को भोगने वाला है। एक श्लोक में सब कुछ कह दिया। तीनों गुणों के कारण पूरी योग माया को भगवान मैनेज करता है। कोई सात्विक है, कोई राजसी है, कोई तामसी है, कोई बात नहीं। अब मैं संत हूं ये भी तुम्हारा अभिमान है। मैंने बहुत सेवा करी है, करी है या कृपा थी। पत्थर को नहीं पता ये प्रतिमा बनेगा या पैरों में ठोकर खाने के लिए सीढ़ी का काम करेगा। पत्थर को तो नहीं पता ना, ये भगवान की कृपा है। पत्थर को प्रतिमा बनाकर आस्था का केंद्र बना दिया। हम ऐसे ही भटक रहे थे, भटक रहा था मैं जग की माया में, अटक गया था मैं व्यर्थ के जंजालों में। तो मैं गुणों में रहता हुआ भी गुणातीत हूँ और मैं जानता हूँ मैं अब तमोगुण विश्राम के लिए है, रजोगुण कार्य के लिए है, सतोगुण शांत रहकर शांति का संदेश देने के लिए है, सतोगुण सत्य का बोध कराने के लिए है, सतोगुण अनुशासित जीवन जीने के लिए है। लेकिन मैं इन तीनों गुणों से बंधा नहीं हूं, क्योंकि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान तले तल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। जैसे प्रकृति में तीनों गुण विद्यमान हैं, जैसे वनस्पति पैदा होती है, वृद्धि को प्राप्त होती है। आप देखना फूल कब तक निकलते हैं, जब तक उसमें बीज नहीं आ जाता। जैसे पौधे में फलियां आने लगती हैं बीज की, फूल देना वो बंद कर देता है। जैसे तुम अपने परिवार की वृद्धि में लगे रहते हो, ऐसे पूरे पेड़ पौधे अपने वंश वृद्धि में लगे रहते हैं। वो भी पुष्प फल के साथ बीजों का भी निर्धारण करते रहते हैं। तो अब संत बनोगे, संत पैदा करोगे। एक मुख से जन्म होता है, एक कोख से जन्म होता है। माता के कोख से जन्म सब लेकर आए हो। अब जब गुरु के मुख से तुम जन्म लोगे, तब तुम्हारा सही जन्म प्रारंभ होगा। द्विज बोलते हैं ब्राह्मणों को। पक्षियों के जन्म भी दो प्रकार से होते हैं, एक होता है अंडे से जन्म, एक होता है अंडे से जीव का, पक्षी का जन्म। तो गुरु जी कहते थे माता के गर्भ से तो निकल आए, मैं के गर्भ से कब बाहर आऊं। तब तुम द्विज बनोगे,
ब्रह्म को जानने वाले तब तुम ब्राह्मण बनोगे। तो ये श्लोक बहुत अच्छा है, बहुत समझने वाला है, इंद्रियों के विषयों को जानने वाला भी हूँ लेकिन मैं आसक्ति रहित हूँ, गुणातीत हूँ और फिर भी मैं सबको पालन पोषण करने वाला हूँ। जो तुम्हारा हिसाब किताब है, कार्मिक अकाउंट है, ऋणानुबंधन है, वो तो तुम्हें काटने पड़ेंगे ही। होगे बिन छूटे नहीं कर्म गति बलवान, भगवान ने बता दिया। तुम कहीं भी भाग कर नहीं जा सकते, ये तुम्हारी प्रारब्ध तुम्हारे साथ साथ चलती है। और शुक्राने हैं, मैं देख सकता हूँ, मैं सुन सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं सूंघ सकता हूँ। भजन की लाइन है, हाथों से हर जन की सेवा कमाऊं, पैरों से चलकर मैं सत्संग में आऊं, वाणी से हरदम यही गीत गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये है इंद्रियों का सही मार्गदर्शन। और दूसरा, प्रभु का सिमरन साधु के संग उपजे, चाह भी साधु के संग लेकिन उसके साथ साथ, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से वैर, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। बहुत अच्छा, भगवत गीता 13वां अध्याय का 14वां श्लोक। कल भगवान ने बोला, मैं सब और हाथ पांव वाला, मुख वाला, सिर वाला अपने आप को बताया। आज फिर बोला, सब इंद्रियों के विषयों को जानने वाला होने के बावजूद भी वो आसक्ति रहित है, गुणातीत है और सभी का धारण पोषण करने वाला है। बहुत सुंदर कल भी चौपाइयां चली थी रामचरित मानस की, कि भगवान के लिए बोला, बिनु पद चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई बिनु नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी। शरीर नहीं है केवल, पर फिर भी वो आनंद रहित सकल रस भोगी, ज्ञान बिनु वाणी वक्ता बढ़ जो, तन बिनु बरस नयन बिन देखा, ग्रही ज्ञान बिनु बाण शेषा। वो निर्गुण होकर भी सबका धारण पोषण करने वाला है, जीव की तरीके से बंधने वाला नहीं है, आसक्ति में फंसने वाला नहीं है, क्योंकि जीव कुछ भी करके ना तो भूल पाता है और कोई भी सुख लेके रस लेके उससे उपराम भी नहीं हो पाता। ये जीव की निशानी है, उसको मुख नहीं है पर फिर भी सबके जो भी उसको चढ़ा रहे हैं वो प्रसाद, भगवान सबकी श्रद्धा से वो सब कुछ ग्रहण कर रहा है। क्योंकि गीता में ही भगवान ने बोला, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी मुझे श्रद्धा से अर्पण करता है, चाहे वो पत्र हो, चाहे वो पुष्प हो, चाहे वो फल हो, चाहे वो तोयम जल। अब ज्ञान से गुरुजी बहुत सुंदर इसका अर्थ बोलते थे, पत्ता शरीर रूपी पत्ता, आरती में तो हम सब बोलते हैं, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण प्रभु क्या लागे तेरा। तो हम देखें शरीर से हम किसके हैं, शरीर से हम किसकी गुलामी कर रहे हैं, किसकी चाकरी कर रहे हैं, शरीर से हम किससे बंधे हैं, कहाँ बैठे हैं,
हमारे शरीर से भक्ति हो रही है, सेवा हो रही है, भजन हो रहा है, निष्कामी जीवन है या सकामी जीवन है। तो तन का भी अर्पण, पत्रम पुष्पम हृदय रूपी पुष्प, ये भी भगवान को अर्पण कर, फलम सारे कर्मों के फल भी भगवान को अर्पण कर, और कोयम कभी कभी उसके प्रेम में भीग के अगर अश्रु जल भी निकलते हैं, ये भी भगवान को अर्पण कर। आज जिन्होंने भी ईश्वर के लिए अश्रुपात किया, नयन भिगोए, भगवान के लिए जीवन में उसके विरह में याद में रोए, कैसे सारी अंदर की गंदगी निकल जाती है, कोई विरले होते। मैं मेरी वालों के लिए बहुत रोते हो, पर कभी उसकी तड़प में, गुरु के प्रेम में, भगवान के प्रेम में आंख से अश्रु निकले। तो भगवान सबके भावनाओं को देखता है। जीव इंद्रियों के अधीन होता है, इंद्रियों के विषय में अटकता है, देख रहा है तो देखता ही चला जा रहा है, ताउम्र कभी भी देख देख के, सुन सुन के, बोल बोल के, खा खा के, घूम फिर के तृप्ति आती नहीं है। आप भाई बुढ़े, कृष्णा भाई जवान, शरीर बूढ़ा हो जाता है, पर अंदर की वासना हमेशा कुंवारी। ससुरा मेरा 80 बरस का, सासू निपट कुंवारी। तो ससुरा और सासू जान किसको बोला गया? ससुरा बोला गया क्या शरीर, सासू बोली गई आपकी तृष्णा, आपकी वासना। पर भगवान ऐसा नहीं है। भजन गाते थे, ना जाना रे राव कहे सारे जोगी जोगी, क्या कह रहे हैं, रहत अतीत सर्व रस भोगी। वो सर्व रसों में भी है, जैसे राजा जनक, भोग में भी है, पर वो ज्ञानी भक्त है, योगी है। इसीलिए गीता में भगवान को कहना पड़ा, ज्ञानी भक्तों में राजा जनक का नाम लेना पड़ा, और ये तो स्वयं भगवान है। तो वो जीव की तरीके से आसक्त नहीं है, वो निरासक्त भाव से सब कुछ कर रहे हैं, पर कहीं पर भी लिप्त नहीं। इतनी सुंदर सृष्टि की रचना करके, कितने सुंदर झरने, कितने सुंदर पेड़ पौधे, कितना सुंदर आसमान, कितनी सुंदर धरती माता, पूरी हरियाली से भरी पूरी, कितनी खदाने, सब कुछ तो है इसकी गोद में, इसके गर्भ में धरती माँ सबको पाल रही है, धरती पे रहने वाले लोगों। पर फिर भी जाके देखो, भगवान ने कहीं पर भी एक विशेष रूप से अपने आप को प्रकट नहीं किया है कि ये मैं हूं या यहाँ ही मैं हूं। हमारी श्रद्धा सब जगह उसका दर्शन करती है, हमारी श्रद्धा का फल हमको हर जगह मिलता है। बाकी भगवान ने अपने आप को कहीं से भी बांधा नहीं, वो गुणातीत है, सबके मध्य भी है और सबसे परे भी है। गीता में सूत में सूत की मणियों के सदृश पिरोया हुआ हूं, पर वो मुझ में नहीं है, मैं उनमें। हम अगर उससे अपना रिश्ता बनाते हैं, अपने आप को जोड़ते हैं, हम सुखी होते हैं। बोला दुनिया वालों से तुम्हारा नाता होता है तो वहां पे रिश्ते बनते हैं, कनेक्शन होता है, रिश्ते बनते हैं, दुनिया वालों से मिलके रिश्ते तैयार होते हैं, और भगवान से मिलके तुम फरिश्ते बनते हो, गुरु से मिलके फरिश्ते बनते हो। आज उसके चरण शरण में बैठकर उसके वचनों को सुन के हमारे अंदर में निर्मलता आती है, सब्र संतोष आता है, शांति का अनुभव होता है, जिंदगी से प्यार उठता है। दुनिया में सब उदास मायूस होकर जिंदगी जी रहे हैं। आज से 9 दिन की शुरुआत नवरात्रि की, कैसे ये नियम, कोई एक अच्छा नियम ले लो अपने जीवन, 9 दिन तो एटलीस्ट मैं ये करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं क्रोध नहीं करूंगा, मैं किसी के प्रति मन मैला नहीं करूंगा। बाहर से तो व्रत रखते हैं, पर दृढ़ संकल्प को भी व्रत बोला जाता है। कबीरा ऐसा कठिन व्रत लिया जो ले सके ना कोई,
घड़ी के विष्णु राम को तो ब्रह्मज्ञा बोलते, कितना कठिन व्रत लिया, एक घड़ी भी अगर मैं उसे राम को भूलूं तो ब्रह्मज्ञा का मुझे दोष लगे, पाप लगे। तो व्रत बाहर के आप करो या ना करो, ये सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, पर जीवन में जरूर कोई एक व्रत लो। मैं भगवान देखने का संकल्प लेता हूँ, मैं शुक्राना मानने का संकल्प लेता हूँ, आज से मैं दुखी नहीं होऊंगा, दुखी करूंगा भी नहीं। कोई ना कोई एक नियम लो और नियम का पालन करना तब है। आप एक दिन सत्संग छोड़ते हो, हजार दिन सत्संग आपसे छूट जाता है। कभी कैसी परिस्थिति, कभी कैसी बात, नहीं निकल पाते हो। इसके लिए हजार काम पीछे करके भी सत्संग का नियम पालन करना चाहिए। और अगर तुम सच में नियम पालन करोगे, तुम्हारी प्रकृति वैसी बन के चली जाएगी। आपके घर वाले भी कहेंगे, आज तुम सत्संग नहीं गए, आज तुम्हारा सत्संग नहीं है। एक के नियम में बंधने से कितने लोगों का नियम सज जाता है, सब इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, सबको पता है इनको तो जाने ही जाना है, सब अपने आप में अपने कामों में लग जाते हैं। एक एक इकाई का बड़ा महत्व है। और एक व्यक्ति ऐसे ही होता है गिरगिला, कोई उसका आदर्श नहीं, कोई नियम नहीं, कोई उसके जीवन की उसने अपने कोई एक इम्पोर्टेंस ही नहीं रखी, जो जी में आ रहा है कर रहे हैं। नियम हमको बांधता है, नियम हमको तपाता है। एक भी नियम पालन करने के लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी। ऐसी सबकी प्रकृति अनुकूल नहीं बनती है। ये उपजे चाह भी साधु के संग, प्रभु का सिमरन साध के संग उपजे चाह भी साधु के संग। और धीरे धीरे देखो, गुरु के प्रेम में ये चीजें होगी। प्रेम होगा, प्रेम में नियम पालन करने का मन करेगा, टाइम अपने आप बच जाएगा, मिल जाएगा। आप घर में कोई सामान लेकर आते हो, पहले उसकी जगह नहीं समझ में आती, पर जब वो सामान आ जाता जगह अपने आप बन जाती, नहीं बन जाती। तो जीवन में भी ब्रह्म तत्व गुरु तत्व आता है, उसके लिए अपने आप व्यवस्था हो जाती है। प्रेम होता है, समय अपने आप निकल जाता है। तो इंद्रियों के विषयों में जीव तो बंधता है, पर भगवान नहीं बंधता है। इसीलिए उसको अगोचर बोला जाता है, अलौकिक बोला जाता है, और ब्रह्म आनंद को भी क्या बोला जाता है, इंद्रियातीत गुणातीत। इस ब्रह्म आनंद के लिए आपको इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। आंख से जो देख रहे हो वो सुख ले रहे हो, कानों से जो सुन रहे हो सुख ले रहे हो, बाहर के सत्संग के लिए हमें शरीर की आवश्यकता है। और अंदर ही अंदर भगवान में मन टिक गया, जब उसमें पूरी तरीके से रम गया, हम राम में ऐसे रम जाए, पानी में मिली जैसे नमक डली, हम राम में ऐसे रम जाए। उस ब्रह्मानंद के लिए, परमानंद के लिए आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं। पहले मेहनत करनी पड़ती है, पहले साधना करनी पड़ती है, ऐसे नहीं होता है। पर उसके जब बाद जब पूरी तरीके से मन उसमें रम जाता है, तो फिर आनंद और शांति। बोला असुल तुम जो वर्षो इनन का जुदा थे, तो सही गण वर्ष। आनंद और शांति तुम्हारा जन्म से अधिकार है, इससे जुदा हुए अलग हुए तुम्हें बहुत समय हो गया। अब गुरु आके तुमको तुम्हारे आनंद से तुम्हारी शांति से जोड़ता है। दे डाली अंतर की शांति मुझे, मिटा डाली जीवन की भ्रांति तुम्हें, हर संशय भरम से उपराम हो, कहीं पर भी अटको नहीं, होवन हार होवन को जाने, प्रभु अपने का हुकुम पछाने। प्रारब्ध में है घटना तो घटकर ही रहेगी, चाहे जितना जोर लगा दे, इसके लिए ज्ञान को पक्का करो। उस समय हम विचलित ना हो, हम परेशान नहीं हो, उस समय भी हम भगवान का आधार लेके उस परिस्थिति से कैसे उपराम हो जाए। होइए सोए राम रची राखा, वो करे करत बढ़ावे साखा। केवल एक सती ने कि मैं जाकर देख कर को, उन्होंने किसको प्रणाम किया, सच्चिदा जय सच्चिदानंद भगवान की, किसको ऐसा बोला। और
शिव जी जान गए सती के अंदर में श्रद्धा नहीं है, सती के अंदर में देखने का भाव, एक श्रद्धा की आंखें अलग होती है, वो कुछ आपको अलग ही आनंद देती है, और परखने वाली, जांचने वाली, चेक करने वाली आंखें वो अलग होती है। और जब गई फिर कैसे सीता माता का भी रूप धारण कर लिया, भगवान सब जान गए, प्रभु श्री राम भी उस रूप में भी। उन्होंने कहा भवानी आप अकेले कैसे, बोले बाबा कहाँ है, प्रणाम किया। तो ब्रह्म में टिका हुआ व्यक्ति जो स्वयं परमात्मा है वो तो सब कुछ जानता है। और कैसे भगवान शिव को बोला, उन्होंने कहा देखा, बोला हाँ देखा, जैसे आपने देखा वैसे मैंने देखा। एक जरा सी हम कहीं से हटते हैं, कोई बात होती है, फिर कितनी पूरी हो जाती जीवन। भगवान शंकर ने उसी समय कि जिसने मेरी माँ के शरीर को धारण किया अब तो वो मेरे लिए माँ स्वरूप है, और अंदर से त्याग कर दिया, फिर कैसे उनको पार्वती के रूप में जन्म लेना पड़ा और कितनी तपस्या करनी पड़ी, तब कहीं जाके महादेव को फिर पाया। तो ये सब चीजें हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, हम श्रद्धा से आगे बढ़ते रहे। हड्डी अपनी जगह से खिसकती है, उसके बाद दर्द देखो कितना होता है, और तब तक दर्द नहीं समाप्त होता है जब तक उसको सही दिशा ना मिले, वो जुड़ ना जाए, सही सेट ना हो जाए। तो रोज बरोज प्रार्थना करो प्रभु हमारी श्रद्धा खंडित ना हो, हम हमेशा इस रास्ते में अगर कदम बढ़े हैं बढ़ते चले जाए, क्योंकि बहुत विरले होते हैं जो सत्संग में आते हैं, सब नहीं आते। आप सबको लाके दिखाओ, घर वालों को लाके दिखाओ, कह कह के परेशान हो जाओगे, नहीं अगर भाग्य में किस्मत में घर में रह के भी कोई नहीं सुन पाएगा, उनको ही संदेशा जाता है और वो ही बुलाई जाती दरबार में, मेरे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते। हम रोते रोते आते हैं, कैसे हंसना सीख जाते हैं, क्योंकि जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव, तरह तरह के कर्म फल हिसाब किताब, पर ये सत्संग भगवान की कृपा है, ये गुरु की कृपा है, कैसे बड़े बड़े कष्टों में भी सत्संग हमें जीवन देता है, हमें शांति देता है, हमको स्वीकार भाव देता है। तो बढ़ते चले, और बाकी जो आज का श्लोक है, परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, हर एक की भावना से उसको सुख दे रहा है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। गोपियों को अहंकार आ गया, रास चर्चा रहे भगवान, दो दो गोपियों के बीच में है, नृत्य हो रहा है, मस्त है, केवल आया जिस परमात्मा के लिए ऋषि मुनि कितना यत्न करते हैं, तप करते हैं, आज वही भगवान हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं, हम कितनी सौभाग्यशाली हैं। थोड़ा सा गर्व आया, और भगवान अपने निज भक्तों में किसी भी प्रकार की गंदगी, अहंकार, विकार रहना नहीं पसंद करते, तुरंत गायब हो गए। अब गोपियों को लगा ये क्या, अभी तक तो हम लोग कितने खुश थे, भाग्य की सराहना कर रहे थे, ये क्या हो गया। फिर जब बहुत विरह में गीत गाए गोपी की, तब भगवान को लगा अब बहुत रो रो के इन्होंने अपनी गंदगी को सुधार लिया, अब प्रकट होना चाहिए। फिर प्रकट हो गए, अनेक एक से अनेक हो गए, अयोध्या में लौट कर आ रहे हैं प्रभु श्री राम, सब नर नारी उनको देख रहे हैं, पर एक से अनेक हो गए, सबको लगा मेरे राम मेरे साथ। ये एक नहीं पर अनेक मुख, अनेक सिर, अनेक हाथ पांव, कभी कहीं कोई भक्त पुकार रहा है, कभी कहीं कोई भक्त पुकार रहा है, सबके पास, क्योंकि वो सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, तो सबको उसकी निकटता का एहसास हो रहा है। मेरे तन में है राम, मेरे मन में है राम, रोम रोम में समाया हुआ राम है, हर जगह उसी राम की सत्ता है। कल कोई पूछ रहा था
कि राम नाम की इतनी महिमा क्यों है, आखिर ये राम तत्व क्या है। तो बहुत सुंदर गुरु जी बोलते थे, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सर्व के प्यारा। एक राम दशरथ का बेटा है, एक राम घटघट में लेटा है, रोम रोम में रम रहा है, हर जगह रम रहा है, वो राम है। एक राम का सकल पसारा, वो चाहे घटघट में लेटा राम है, चाहे वो सकल सब में व्याप्त है, और चाहे वो सबसे ध्यान रहा है। तो दशरथ का बेटा भी राम है, वही सगुण भी वही राम है, निर्गुण भी वही राम। तुलसीदास जी से पूछा, आप निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं, सगुण ब्रह्म के उपासक हैं। तो बहुत सुंदर लाइन बोली, निर्गुण पिता सगुण मातारी, किसको निंदो किसको वंदो दोनों पलड़ा भाई। बीज रूप कौन है? बीज रूप तो परमात्मा है। एक को बहु श्याम, एक से अनेक हो गया है, और फिर देखो तो अनेक होकर भी वो है एक ही, वन विदाउट सेकेंड। उस ब्रह्म में फिर द्वैत नहीं है, अहम ब्रह्मस्मि, वो ब्रह्म स्वरूप मैं हूं, तत्त्वमसि, तुम भी वही ब्रह्म हो, तुम अलग से कोई और ब्रह्म नहीं हो, तुम्हारे में भी वही शक्ति है। जो करंट हीटर में है वही करंट एसी में है, वही करंट सब जगह कार्य कर रहा है, पर है करंट। ऐसे ही सर्वत्र व्याप्त होते हुए भी वो किसी में फंसा नहीं है, सबका धारण पोषण भरण पोषण सब कुछ कर रहा है, पर हट के है, वो एक ही है। तो ज्ञान से हमारी भी निष्ठा एक में होती है, उस परमात्मा में, चाहे कोई सुख दे रहा है, चाहे कोई दुख दे रहा है, चाहे कोई अच्छा है, चाहे कोई बुरा है सब में उसी की शक्ति। उसी की शक्ति से कोई बहुत अच्छे कार्य कर रहा है, उसी की शक्ति से जाके देखो कोई पाप कर्म भी कर रहा है। शक्ति तो परमात्मा की, कोई शक्ति का सदुपयोग कर रहा है, कोई शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है। जो दुरुपयोग कर रहा है, आज नहीं तो कल परिणाम उसके बहुत गलत है, और जो सदुपयोग कर रहा है तो आज भी वो सुखी है और आने वाला भविष्य भी उसके लिए सुखदायी, क्योंकि कभी ना चैन से सोएगा तो सता के किसी को भी दुख दे के सता के, कुछ उसका छीन के हक मार के तुम चैन से सो नहीं सकते। तो अपने अंदर में उस ब्रह्म तत्व को जानने, और धीरे धीरे जो रस हमारा, जो सुख हमारा संसार से जुड़ा है, वो हमारा जब भगवान से जुड़ जाएगा, यहाँ आसक्त कहलाओगे वहां भक्त कहलाओगे। वही प्रीति अगर भगवान से हो गई, गुरु से हो गई, ज्ञान से हो गई, तो तुम भक्त बन जाते हो। और वही मन इस तरफ जुड़ गया संसार से, तो यहाँ पर आसक्त जीव कहलाते हो, अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हो। तेरे हाथ में जीवन बनाना, हीरा कौड़ी के लिए ना गवाना। उसको जान के, उस तत्व को जान के हम हर जगह उसको महसूस करके अपने आप को गलतियों से बुराइयों से बचाते चले, और अपनी शक्ति को जाने। गुरु ने मुझको प्यार सिखाया, एक नई दुनिया में बसाया, सोई हुई शक्तियों को जगाया। ये देवी माँ के दिन चल रहे हैं अष्टभुजी, सबके पास भी अपनी शक्तियां हैं। ये सत्संग में आकर गुरु हमारी शक्तियों को जागृत करता है। जानो इस शक्ति का सही इस्तेमाल करो, उसको गलत जगह नहीं लगाओ। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है, प्रभु
तेरा ओम नाम सबका सहारा है, सारे ब्रह्मांड का, सारे ब्रह्मांड का ये जीवन आधारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है, प्रभु तेरा ओम नाम सबका प्यारा है। तू ही सुखों का दाता, तू ही भव सागर दाता, तू ही सुखों का दाता, तू ही भव सागर दाता। भक्तों को पार लगाता, भक्तों को पार लगाता, मन का उजियारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है, प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। जग को रचाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला, जग को रचाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला, टुकड़े मिटाने वाला, टुकड़े मिटाने वाला, सखा तू हमारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है, प्रभु तेरा राम नाम सबका सहारा है। कण कण में तू है समाया, तेरी है सब में छाया, कण कण में तू है समाया, तेरी है सब में छाया। किसी ने ना भेद पाया, किसी ने ना भेद पाया, कैसा ये नजारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है, प्रभु तेरा श्याम नाम सबका सहारा है। सुख में संसार बनाया, वेदों का ज्ञान कराया, सुख में संसार बनाया, वेदों का ज्ञान कराया। तेरे में द्वारे आया, तेरे में द्वारे आया, तो प्रभु प्यारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है, प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। सारे ब्रह्मांड का, सारे ब्रह्मांड का ये जीवन आधारा है, प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है, प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है, प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। सभी को राम राम सा, हरिओम तत्सत।